हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 20% की छूट मेकिंग चार्ज पर। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़ NH57 दरभंगा, फ्री होम डिलीवरी, कैटरिंग सर्विसेज, बैंक्वेट हॉल। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। दरभंगा में खरीदिए अपना फ्लैट, तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट, बल्लोपुर एकमी, लहरिया सराय, दरभंगा। फ्री कार फॉर एवरी फ्लैट बुकिंग। जैविक खाद से करिए मखाना की खेती, होगा दोगुना उत्पादन। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक डॉक्टर BR जाना ने कहा, नई तकनीक किसानों के लिए है वरदान। मखाना गीली पारिस्थितिकी तंत्र से एक बहुत ही शानदार जलीय औषधीय पौधा है। मखाना को भारत और बिहार के कई क्षेत्रों में लावा भी कहते हैं। तालाब, झील, दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला मखाना पोषक तत्वों से भरपूर है। आज हम इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में मखाना एक प्रमुख सहयोगी है। मखाना एक अद्भुत औषधीय पौधा है जिसमें 10% आसानी से पचने वाला प्रोटीन, 76.2% कार्बोहाइड्रेट, 12.4% नमी, 0.15% वसा, 0.4% लवण, 0.9% फॉस्फोरस और प्रति 100 ग्राम में 1.4% मिलीग्राम लौह पदार्थ और 1.2 मिलीग्राम जस्ता मौजूद होता है। डॉक्टर BR जाना ने कहा कि बिहार मखाना के विश्व उत्पादन का 90% उत्पादित करता है। अभी मखाना की उत्पादकता बहुत कम है, लेकिन इसे जैविक उर्वरक यानी नीम, अरंडी, खली को अपनाकर बढ़ाया जा सकता है। अधिक उत्पादन के लिए जैविक मखाना बहुत ही आकर्षक है। नीम, अरंडी और खली का उपयोग 1.5 से 1.6 टन पर हेक्टर, परिणाम में लगभग 1.5 से 2 गुना यानी 1.5 से 2 गुनी पैदावार देता है। खेत की तैयारी के बाद नीम और अरंडी खली चूर्ण करके दिया जाता है। कृषि का चूना 0.2 टन हेक्टेयर और FYM 4.5 टन प्रति हेक्टेयर के उपयोग से कार्य क्षमता बढ़ती है। जैविक उर्वरक के उपयोग से किसानों को 3.5 से 3.8 टन प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। यह पारंपरिक तालाब प्रणाली की तुलना में दोगुना उपज देता है। जैविक उर्वरक के उपयोग के बाद पानी से खेत पूरा किया जाता है और मिट्टी में शामिल करने के लिए 3-4 दिनों के लिए खेत को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद रोपाई की जाती है। यह प्रक्रिया पौधों की वृद्धि और फल उत्पादन यानी गुरी उत्पादन को बढ़ाती है। यह गुरी की आकार और प्रोटीन और मखाना की फाइबर सामग्री को बढ़ाता है। इस तरह के जैविक उर्वरक से खेती करने से कम खरपतवार पैदा होता है, फसल कटाई की सुविधा प्रदान करती है व मखाना किसान की अधिक कमाई हो सकती है। डॉक्टर जाना ने कहा कि यह तकनीक उत्तर बिहार के गरीब किसानों को विज्ञान का एक उत्कृष्ट उपहार है। जैविक कृषि से मखाना उत्पादन वैश्विक कृषि के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। उत्पादकों को लाभकारी बने रहने का यह एक बेहतर रूप है। सुनिए जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर जाना ने क्या कुछ कहा मखाना के उत्पादन की इस नई तकनीक के बारे में। बताया है कि दुगना उत्पादन मखाना का हो सकता है, ऐसी टेक्निक आपने डेवलप की है, क्या है पूरा ये पूरी जानकारी? देखिए, मखाना का जो उत्पादन है बिहार में हाल ही में थोड़ा सा कम है और हम लोग जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है इसमें जैविक मखाना का उत्पादन हो रहा है। ये जो जैविक मखाना का जो टेक्निक है इसमें हम लोग खेत प्रस्तुत करने के बाद नीम और अरंडी खली 1.6 से 1.7 टन पर हेक्टर देते हैं। उसके बाद खेत को पानी से पूरा किया जाता है और 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद रोपाई करते हैं और ये रोपाई करने के बाद 45 डेज में फ्लावर आता है और उसके बाद 3.5 महीना में क्रॉप रेडी हो जाता है। और ये जो टेक्निक है जो जैविक खाद से मखाना का जो दोगुना उत्पादन है इसको अगर किसी चुना 0.2 टन पर हेक्टर और FIM 4.5 टन पर हेक्टर अगर दिया जाता है तो उत्पादन और भी बढ़ता है। तो अभी जो ट्रेडिशनल
अर्थात पारंपरिक पॉइंट सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन, उसमें 1.7 टन से 2 टन पर हेक्टर होता है और हम लोगों का जो उत्पादन है वो 3.5 से 3.8 टन पर हेक्टर होता है। इसमें और भी एक जो बेनिफिट है, इसमें खत पतवार कम होता है और इससे जो मखाना मिलता है वो उसके आकार बहुत बड़ा होता है और इससे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर रहता है। जो बिहार का जो गरीब किसान है और जो मछुआरा कम्युनिटी है जो मखाना कल्टीवेशन करते हैं, उसके लिए हमारा यही संदेश रहेगा, वो लोग जैविक खाद का उपयोग करके मखाना का खेती करें, जिससे वो लोगों का पैदावार दिगुना हो जाए और जो मखाना से जो वो लोगों का जो लाभ है वो शुद्ध लाभ कम से कम दिगुना हो। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत इजी है और ये टेक्निक को अपना के बिहार का जो गरीब किसान हो वो अपना इनकम दोगुना कर सकते हैं।